बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं बनाने लगी हूँ पोटैटो स्नैक्स। इसके लिए मेरे पास धनिया, दो अंडे, 3 टेबलस्पून बेसन है, 2 आलू है। आलूओं को मैंने धो के रखा हुआ है अच्छी तरह धो के। इनको ऊपर से छीलना नहीं है, वैसे ही इनको ग्रेट करना है। बगैर छीले इनको ग्रेट करना है। बिस्मिल्लाह, इस तरह सारे आलू ग्रेट कर लेने हैं। आलू मैंने ग्रेट कर लिए, अब इसमें धनिया ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, 2 अदद अंडे ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, तीन टेबलस्पून बेसन ऐड करने लगी हूँ, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड करने लगी हूँ, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करने लगी हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करने लगी हूँ, 2 चुटकी हल्दी ऐड करने लगी हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रखा है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। चूल्हे को मीडियम टू फ्लेम, लो फ्लेम पे कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, इसके माशाल्लाह बहुत ही मज़े के स्नैक्स तैयार होंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इनकी साइड चेंज करनी है। अब मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। अब मैं निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह,
चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। पोटैटो स्नैक्स हमारे तैयार हैं, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं, आप भी इफ्तारी में बना के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।